मेरे पीछे आप एक बहुत छोटा सा घर देख रहे हैं और उस घर पे कुछ लोग हैं और इस वक्त मैं गीदम में हूँ और इस घर में आने का एक ख़ास मकसद है। दरअसल इस घर में सब कुछ तबाह हो गया है और यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी जो दो चार दिन पहले काफ़ी खुशहाल थी, अब इनके ज़िंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि दंतेवाड़ा में बीते दिनों जो एक बड़ी घटना हुई, उस घटना का संबंध भी इससे है। क्या संबंध है और क्यों इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और क्या कुछ मुसीबतें अब इनको झेलनी पड़ेंगी और सरकार का क्या रुख है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल दो दिन पहले दंतेवाड़ा के हरनपुर क्षेत्र में जो एक बड़ी घटना हुई जिसमें माओवादियों ने एक बारूदी सुरंग का विस्फोट किया और उसमें एक जवानों से भरी एक गाड़ी उसकी जद में आ गई, जिससे कि 10 DRG के जवान और एक सिविलियन जो चालक थे गाड़ी के, उन सब की मौत हो गई। अब आप बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं कि मैं शहीद क्यों नहीं बोलता हूं, तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि भारत सरकार जो पैरामिलिट्री और जिला बल के जो जवान होते हैं, अगर वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा देती नहीं है कानूनन। तो इसी वजह से मैं भी बार बार इस बात को इंगित करता हूँ कि जो जवान हैं, मैं अपनी तसल्ली के लिए उन्हें भले शहीद कह दूँ लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उन्हें शहीद नहीं, मारे जाने का ही दर्जा मिलता है। तो उस जो चालक थे, जिनका पुलिस विभाग से कोई लेना देना नहीं था, सिविलियन थे, उनके घर आया हूँ। इनके घर आने का मुख्य मकसद ये था कि जब भी ड्यूटी में तैनात जो जवान हैं, जब उनकी मौत होती है इस तरह से मुठभेड़ में या इस अलग अलग माओवादी घटना में, तो उन्हें मुआवजा के तौर पर एक अलग रकम मिलती है। मैं भी एक सीनियर IPS से फ़ोन पर बातचीत कर रहा था तो उन्होंने बताया कि गोपनीय सैनिक से लेकर जो आरक्षक और प्रधान आरक्षक हैं, इन्हें मुआवजे के तौर पर संभवतः 35 से 60 लाख रुपए तक की रकम मुआवजे के तौर पर मिलेगी और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। लेकिन जो चालक थे, चूँकि उनका संबंध पुलिस विभाग से नहीं था, वो सिविलियन थे, इनको लेकर जब मैंने बस्तर IG सुंदरराज पी से फ़ोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि इन्हें मुआवजे के तौर पर केवल 5 लाख रुपए मिलेंगे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। अब ये प्राइवेट गाड़ी पुलिस ने अपने ऑपरेशन के लिए हायर की थी और हायर करने की वजह से जिस गाड़ी को हायर किया गया था, उस गाड़ी के चालक दुखद है कि इस घर के सदस्य थे, उनकी क्या गलती थी, क्योंकि वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक निजी गाड़ी को चालक के तौर पर उसमें नौकरी करते थे। लेकिन अब उन्हें मुआवजे में केवल 5 लाख मिलेगा और अभी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चली रही है। यही वजह है कि पेड़ के नीचे परिवार के कुछ सदस्य बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी भी हैं, उनकी बेटी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। हालांकि ये मौका नहीं है कि ऐसे सब विषयों पर बातचीत किया जाए, लेकिन अगर बात नहीं करेंगे तो कुछ बेहतर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो दुखों का पहाड़ टूटा है वो तो हो चुका है। अब आगे का जीवन कैसे व्यतीत होगा और क्या कुछ सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं उनके परिवार के लोग, इस पे बातचीत तो होनी चाहिए। दीदी, आपका नाम क्या है? मंगल दी जी। दीदी, ये बताएं कि मैं भी पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहा था तो बता रहे हैं कि केवल 5 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। घर में और कौन कौन है आपके यहाँ कमाने वाला? अभी कमाने वाला कोई नहीं है, दो देवर हैं और मेरे सास और कहाँ कमा पाएगी। अभी देवर सब साथ ही में रहते हैं कि अलग? नहीं, अलग अलग रहते हैं। मेरे देवर लंगजोड़ा तरी में रहते हैं। अच्छा, उनकी शादी हो गई है? नहीं हुआ है, एक जन को हुआ है, एक जन का नहीं हुआ है। लेकिन वो रहते अलग हैं? जी, अलग अलग रहते हैं। हम लोग यहाँ रहते थे, 4 फैमिली। और यहाँ कमाने वाले सिर्फ आपके पति थे? जी। अच्छा, इसी के पापा थे। कितना तनख्वाह मिलता रहा होगा पहले, कुछ है आपको आइडिया? वही 7,000 तो दे रहा था, 7 है कि कितना तो दे रहा था। और बच्चे कितने हैं आपके? दो बच्चे जी, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। तो 7,000 में ही जीवन चलाना काफ़ी मुश्किल है अभी तो, महंगाई में। अभी अब कैसे, क्या सोच रही हैं आप, मतलब आगे क्या होगा? अब क्या सोचूंगी, अब सरकार कुछ मांग करने से लड़की को लगा दूंगी, बोल रही हूँ नौकरी में। जी। तो अच्छा, आपको ये पता था कि वो पुलिस की गाड़ी लेके जाते हैं या पुलिस के जवानों को लेके जाते हैं इसके पहले? जी पता था ना, लेकिन नहीं जाओ पुलिस भी जाते थे। अच्छा, आप मना करते थे क्या? जी। तो क्या बोलते थे वो? मैं तो जाके आ जाऊँगा, बोल रहे ना। मतलब उनको कभी ऐसा अंदेशा नहीं था कि कभी ऐसा बड़ा घटना हो सकता है? ऐसा नहीं बोलते थे। लेकिन आपके मन में डर था? डर था ना, इसलिए हम लोग बोल के भी देखे, लेकिन वो जा रहे थे। अच्छा, तो उस दिन भी मालूम था कि वो लेके जा रहे हैं फोर्स को?
उस दिन तो बोले क्या मैं तो अभी आ जाऊंगा बोल के गए, अभी तुरंत आ जाऊंगा बोल के गए। अच्छा, फिर आए ही नहीं? नहीं आए उसके बाद। ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? बसंती यादव। कौन सी क्लास में बेटा? इस साल 11th। अच्छा, 11th में हो। तो आपको पता था आपके पापा पुलिस की गाड़ी चला रहे हैं, मतलब प्राइवेट गाड़ी में पुलिस के जवानों को लेके जाते हैं? हाँ पता था। हाँ, तो आप लोगों को कभी डर नहीं लगता था कि लेके जाते हैं अंदर अंदर ऐसा? हाँ। कभी कुछ बोली थी आप? हाँ, मना करके देखे, नहीं मानते थे। क्या बोलती थी आप? मत जाओ कर। अच्छा अच्छा दीदी, जैसे 5 लाख रुपये मिलेगा तो इसमें हो जाएगा आपका खर्चा, चलेगा आगे? 5 लाख इसमें क्या होगा? जितना मिलेगा वो बराबर इनको ही मिलेगा। हाँ, इसमें क्या होगा, अब घर चलाना भी है, थोड़ा सास को भी देखना पड़ेगा ना। वो बुजुर्ग हैं सास जी? अच्छा। और हमारे ससुर जी भी तो नहीं है ना। अच्छा, सास को भी देखना पड़ेगा। ये घर क्या पट्टा वाला है कि ऐसी नजूल? नहीं, ऐसी वाला है। नजूल में? हाँ, ऐसी वाला। अभी अभी बना है लग रहा है। हाँ ना जी, ज्यादा दिन हुआ है। बहुत पहले से बनाए थे, इधर वाला को अभी अभी जोड़े थे। अच्छा, इधर ये जो नया कमरा है अभी बना? कमरा वाला का अभी अभी बनाए थे। अच्छा ठीक है। आप भी इनके रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, वो मेरा बहन है। अच्छा, आपकी बहन है जी। अच्छा, तो क्या लग रहा है सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे कितना संतुष्ट हैं, कैसे चलेगा? ये सोच रहे हैं कि वो जितना उनको मिलेगा उतना बराबर इनको भी नहीं मिलना चाहिए ना। वो 5 लाख में क्या होगा, ये तो 2001 से वही काम कर रहा है ना। 2001 से? हाँ, 2001। लेकिन गाड़ी तो प्राइवेट ही चलाते थे? प्राइवेट है, लेकिन जब उनको ऑर्डर पुलिस का गाड़ी जरूरत पड़ने से मंगाते थे फोन करके मालिक के पास। अच्छा, मालिक गाड़ी भेज देता रहा उन्हीं के पास। तो मतलब 2001 से वो गाड़ी चल रही थी कि गाड़ी बदलती रही बार? नहीं, उन्हीं का मालिक वही था। अच्छा, पहले बस मन लिया था। हाँ। दो ठन बस था उनके पास। हाँ। बस बिकने के बाद 2 ठन तूफान लाया। अच्छा। 2001 से चला रहे थे, मैं भी वही चला था, लेकिन मैं छोड़ दिया, पुलिस में भेज रहा है बोल के। अच्छा, आप भी वही चलाते थे? हाँ, मैं छोड़ दिया, मेरे को डर लगा। एक बार कुटरू गए थे, सामने गाड़ी उड़ा दी, हम लोग पीछे थे। अच्छा, आपके साथ एक बार हो चुका है? हो चुका रहा। उसके बाद एक बार जगरगुंडा गए रहे, 2001 से उधर गए थे, उधर एक थानेदार को गला भी काट दिए थे, फिर मेरे को भी डर लगा बाद में। फिर हम लोग आए, उसके बाद 1-2 दिन किया और छोड़ दिया, उतर गया वो गाड़ी इसमें। अच्छा, इसको मना करके देखे हम लोग भी कि मत जाओ गाड़ी में बोल के। ये लेकिन जा ही रहा था, किसी का नहीं मान रहा था। 2001 से इनके बाद 2 बस भी था। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये पहला घटना। अच्छा, उस समय जब कुटरू के पास जो गाड़ी उड़ाए, तो वो भी प्राइवेट गाड़ी था पुलिस गाड़ी था? वो भी प्राइवेट गाड़ी था, हम लोग पीछे थे। अच्छा, एक बार ये ऐसा घटना और भी हो चुका है, मतलब आपकी जानकारी? हाँ। अच्छा, प्राइवेट सब गाड़ी था, कोई उसका सरकारी गाड़ी नहीं था उसमें भी, सब प्राइवेट गाड़ी था। उसमें कितने लोग मरे रहे होंगे? उसमें वो 5-6 जन मरे थे, उसमें छोटा गाड़ी था ना। अच्छा, और गरियाबंद ऐसे बहुत दूर दूर ले जाते हैं, पुलिस वाले बताते नहीं है। हाँ। यहाँ से गाड़ी पकड़ के बोलते हैं थाना जाना है। थाना जाने के बाद पुलिस वाले बोलते हैं चलो गाड़ी में बैठो बोलते हैं। बैठने के बाद बोलते हैं सीधा रोडे रोड चलो बोलते, बताते नहीं है कि हमको फलना जगह जाना है। अच्छा, हाँ, और मतलब नहीं ले जाओ गाड़ी तो है नहीं, ले जाने से मारपीट कर देते हैं ना। उनको जैसा बोलने से ऐसा गाड़ी चलाना है। अच्छा, हाँ, मतलब उनके मर्जी से ही चलना है? हाँ, उनके मर्जी से चलना है। उनको भी पुलिस वाले को पता नहीं रहता है फलना जगह जाना है बोल के। अच्छा, वो साहब फिर बाद में एक जन जाता है सामने, सबसे पीछे पीछे भगना है फिर। हाँ। तो ये जैसे पुलिस वाले ले जाते हैं तो सब खाना वाना सब मिलता है? खाना वाना सब उसी की तरफ रहता है खाना, लेकिन ये डर है। लेकिन डर है, खाना वाना सब व्यवस्था ठीक रहता है लेकिन डर है। अब ये 5 लाख रुपए देंगे तो 5 लाख में क्या हो, उनको जितना मिलेगा उतने ही मिलने बराबर मिले सही है ना। ठीक बात, क्योंकि जो नुकसान हुआ वो तो पूरा होगा नहीं कभी। होगा नहीं, और उनको देख रेख वाले कोई नहीं है। कोई नहीं है? वो किला रहती है घर पास, हमारा माँ घर पीछे सामने रहती है इधर। अच्छा, हाँ, अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं गाड़ी चलाता हूँ। लेकिन अब उसका नहीं, दूसरे का गाड़ी चला, मैं सामान ढोने वाला गाड़ी चला रहा हूँ। आपको कितना मिलता है तनख्वाह? मेरे को अभी 8,000 मिलता है। 8,000 में तो वैसे ही घर नहीं चलता है। घर नहीं चलता है, लेकिन इधर उधर से मेंटेनेंस कर लेते हैं ना। बहुत ले दे के। हाँ, 2001 से उनके पास बस भी रहा, उसके पास तूफान लिया रहा, बस 3 ठन रहा। तीनों बस को लोग कंपनी वाले खींच के ले गए, किस्त नहीं पड़ा है। अच्छा, हाँ, जब पुलिस को जरूरत पड़ता रहा तो तीनों बस को भी मंगा लेते थे वो लोग। अच्छा, हाँ, अच्छा एक चीज़ है, हो सकता है कि हमारे देश का ही नियम हो, लेकिन मैं बस्तर में इस चीज़ को कई बार देखा हूँ कि पुलिस को कभी भी अगर या सरकार को राजनीतिक कार्यक्रम का कोई आयोजन करना होता है, भीड़ लानी होती है, मैंने कई दफ़े आपको बताया है कि प्राइवेट गाड़ियों को हाईजैक कर लिया जाता है,
और इसके लिए आरटीओ को बाकायदा ड्यूटी दी जाती है कि आप इतनी गाड़ियां पकड़ कर लाएँ। तो फिर रात चलती सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, और पुलिस को जब ज़रूरत होती है तो जैसे भैया बता रहे हैं जो बहुत लंबा समय इन्होंने भी ऐसी गाड़ी को चलाया है, उसी मालिक की गाड़ी, उसी मालिक को चलाया हमें, तो कि लगातार पुलिस जो है अपने आप गाड़ी रोकती है और बोलती है उनको जहाँ जाना है कि थाने ले जाएंगे और जवानों को बैठाएंगे और चलो थाना तक जाना है, कहीं नहीं जाना है, वहीं तक जाना है, और विरोध करे तो मारपीट भी करेंगे, नहीं बोलने से मारते भी है, मारते भी है, मतलब मरता क्या ना करता, लेकिन जो चालक की मौत हुई है 2001 से ही इस तरह गाड़ी चला रहे हैं। उनके भतीजे, आप भतीजे हैं उनके जी, क्या नाम है आपका? शंभू यादव। शंभू, शंभू ये बताएं कि 5 लाख रुपए जुर्माना, मतलब मुआवजा मिल रहा, सॉरी जी, तो 5 लाख रुपए में चलेगा कैसे? देखिए सर, इसमें क्या है, या तो उनको शहीद का दर्जा नहीं देना था, तिरंगा से उनको नहीं निपटना था, क्योंकि आप नक्सल पीड़ित में भी 5 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी का प्रावधान है। नियमता देखा जाए तो इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही भी है। आप प्राइवेट गाड़ी को सरकारी चीज़ में अधिग्रहण करके आप उस पर गाड़ियां चलवा रहे हो, कहीं ना कहीं सिविलियन का भी जान जोखिम में है, उसी प्रकार इनकी जान चली गई, मृत्यु हो गया एक बम विस्फोट में। इसमें एसपी और आईजी का कहा जाए बहुत बड़ी गलती है, और इतने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक नियम बनता है कि उनका परिवार का अच्छा हो, मुआवजा भी अच्छा मिले, या तो आप अपने अधिग्रहण में ले रही है सरकार गाड़ी को, तो या तो उनकी विभागीय जितने भी ड्राइवर हैं जो भी है उनको दे देनी चाहिए थी। एक तो मतलब गाड़ी ले लिए तो कम से कम ड्राइवर तो अपना नजर जी जी, एक तो आप ऑपरेशन के लिए ले रहे हो गाड़ी को, सबसे बड़ी बात, और गोपनीयता से लेते हैं तो वो गलत बात है। आप अब रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे आप गाड़ी को लाइन से निकलाते हो, DRG की टीम को आप ऑपरेशन के लिए भेजते हो, उसके बाद ऐसी बड़ी घटनाएं होती है सर, बहुत दुखद है, और परिवार में अभी बहुत बड़ी क्षति हुई हमारे लिए, क्योंकि उनकी पत्नी अकेले रहती है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका जीवन यापन अब कैसा होगा, ये बहुत दयनीय बात है और दयनीय विषय भी है, सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए एक तरफ, और CM साहब बोलते हैं कि सबको बराबर सम्मान दिया जाएगा जवानों के साथ। सम्मान से चावल थोड़ी आएगा जी जी, सम्मान से चावल नहीं आएगा सर, उस चीज़ों को सरकार को सोचनी चाहिए और यहाँ के प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इनको क्या किया जाए। अगर आप 5 लाख रुपए का मुआवजा अगर आपको देना था, एक सरकारी नौकरी देना था, तो आपको इसको शहीद का सम्मान नहीं देना चाहिए, तिरंगा से नहीं लपेटना चाहिए, क्योंकि आप इसका अगर शहीद बोल रहे हो तो इसको एक सरकारी का सम्मान, जो सरकार का सम्मान होना चाहिए, मिलना चाहिए था। और नक्सल पीड़ित मान रहे हो तो फिर नक्सल पीड़ित ही करो जी जी, अगर आप नक्सल पीड़ित मान रहे तो अगर उस समय ऐसी घटना घटी है और बॉडी आ गया है तो हॉस्पिटल से अपने को PM करके हमको सौंप देना चाहिए था सर जी। तो परिवार के लोग दुखी तो हैं, साथ ही साथ नाराजगी भी है इनके मन में, क्योंकि सरकार का जो मुआवजा सिस्टम है उस सिस्टम से नाखुश हैं, दुख है, तकलीफ है। मैं उस चालक का आपको घर दिखाता हूँ, आप ये देखिए कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े घर से वो बिलोंग करते हैं, अभी अभी इनकी माँ भी साथ में रहती हैं और अभी अभी इन्होंने एक नया कमरा भी बनाया है, जो बहुत आर्थिक तौर पर कमज़ोर रहते हैं तो ऐसे ही धीरे धीरे अपना घर बनाते हैं, और घर आप देखें कि अभी तैयार हुआ है, घर में गमी का माहौल है तो कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं, और ये देखें कि अभी एक कमरा यहाँ पे नया बना हुआ। अब आप सोचें ये 2 कमरे का मकान, और जैसे तैसे उस चालक ने 2-2 रुपए जोड़कर बनाए होंगे। अच्छा, जिस IPS से मैं अभी बात कर रहा था, जो सीनियर कैडर के हैं, जिन्होंने बताया कि कितना मुआवजा मिलता है पुलिस के उन जवानों को जो पदस्थ हैं और जो इस मुठभेड़ में या नक्सली घटना के शिकार हुए हैं, तो उन्होंने एक बात का और जिक्र किया, यहाँ पे एक गलती पुलिस के द्वारा बहुत गंभीर की गई थी। होता यह है कि जब भी ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं तो निजी वाहनों का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि सरकारी वाहन जो कि पहचान में आ जाएंगी, तो माओवादियों को इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा, अंदेशा लग जाएगा कि इसमें जवान जा रहे हैं और वो अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि निजी गाड़ियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन निजी गाड़ियों का उपयोग भी केवल जवानों को छोड़कर तुरंत वापस कर दिया जाता है। यहाँ पर गलती ये हुई कि वही गाड़ी पहले जवानों को छोड़ने गई और तड़के वही गाड़ी फिर से जवानों को लेने गई। जो माओवादियों के जो मुखबिर होते हैं उन्हें बहुत आसानी से इस बात का पता लग गया था कि जो गाड़ियां गई हैं और ये गाड़ियां दोबारा फिर से उन्हीं जवानों को लेने जा रही हैं और इन्हीं गाड़ियों में वो सारे जवान आएंगे। अच्छा, बोलते हैं कि एक गलती से आदमी सीखता है, लेकिन हमारे बस्तर में पुलिस के अधिकारी पता नहीं कितनी गलतियों के बाद, कितने लोगों की जान चले जाने के बाद सीखेंगे, ये मुझे नहीं पता।
क्योंकि उस आईपीएस अधिकारी ने ये भी बताया कि नारायणपुर में आज से लगभग 2-3 साल पहले की घटना है, बस में जो सरकारी बस थी, पुलिस विभाग की बस थी, उसमें भी कुछ जवान जो हैं ऑपरेशन के लिए गए थे और यही गलती दोहराई गई थी। जो बस गई हुई थी उस बस को स्पॉट पर रोक लिया गया था और जब अगले दिन उस बस जवानों को लेकर आ रही थी तो माओवादियों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि इस बस में जो जवान कल गए हैं वो वापस लौट रहे हैं और उन्होंने उस बस को ब्लास्ट करके उड़ा दिया था जिस पर 5 जवानों की मौत हुई थी। और एक बार फिर से वही गलती दोहराई गई कि निजी वाहन को सुरक्षा की दृष्टि से तो आपने हायर कर लिया और उस गाड़ी को ले जाकर फिर से उसी गाड़ी में अगले दिन सुबह उन जवानों को लेने के लिए भेज दिया गया जिसकी जानकारी पूर्णतः नक्सलियों तक थी और यही वजह है कि वो सटीक सूचना के आधार पर उन्होंने आगे की कुछ सिविलियन गाड़ियों को छोड़कर पीछे आ रही उसी गाड़ी को जिसमें जवान शामिल थे बैठे थे उस गाड़ी को अपने ब्लास्ट के चपेट में लिया और इतना बड़ा नुकसान हमें पहुंचाया। ये दुखद घटना है और उससे ज़्यादा दुखद ये है कि माओवादियों से चल रही इस जंग में जो जवान शहीद हो रहे हैं उन्हें तो सरकार के मुआवजा की पॉलिसी अलग तौर पर दी जा रही है लेकिन जब आप ज़बरदस्ती या इस तरह की निजी वाहनों को अपने सुरक्षागत कारणों से हायर करते हैं और उसमें अगर कोई सिविलियन मारा जा रहा है तो उसके लिए आपके मुआवजा की जो स्कीम है वो इतनी अलग क्यों? 5 लाख में होगा क्या? एक बगल का कमरा और नहीं बन पाएगा। 5 लाख 5 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। एक जवान बेटी है, एक बच्चा है, अभी उसकी भी नौकरी है, उसकी भी पढ़ाई करवानी है, तमाम सारी दिक्कतें और समस्या और जिम्मेदारी उस महिला के कंधे पर आ गई। सरकार को सोचना होगा, आपने जो गलतियाँ की हैं कम से कम उसकी भरपाई तो तरीके से कर दें क्योंकि दुख तो ख़त्म होगा नहीं, कम से कम तकलीफ़ तो ख़त्म कर दें। अगर लगे इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए और मुआवजे की राशि वाकई में बढ़नी तो चाहिए क्योंकि 5 लाख में जीवन नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चर्चा कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।